शांतिकेतन में स्वागत है और आज हम इस वीडियो में एक्सपोटेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ के रिप्रेजेंटेशन को करना सीखेंगे और देखेंगे कि एक्सपोटेंशियल ग्रोथ कर और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्सपोटेंशियल ग्रोथ कर एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर, जिनको मैं ईजी एंड एलजी बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो ईजी की एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए, व्हेन रिसोर्स आर अनलिमिटेड पॉपुलेशन एग्जिबिट एक्सपोटेंशियल ग्रोथ रिजल्टिंग इन अ जे शेप्ड कर्व। इट मीन टू से, मैंने इसका हिंदी में भी मैं आपको सेंस बता दे रहा हूँ, जब संसाधन असीमित होते हैं तो आबादी तेजी से विकास का प्रदर्शन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जे शेप्ड, यानी कि ये जो मैंने लिखा है जे आकार का क्या बनता है, ये कर्व बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोटेंशियल कर्व। एक और आप नेक्स्ट देख लीजिए, एलजी जिसे मैंने बोला लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या है, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड पॉपुलेशन एक्सिबिट लॉजिस्टिक ग्रोथ, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन एक्सपेंशन डिक्रीज एज अ रिसोर्सेज बिकम अ स्केल, यानी कि जब संसाधन तो सीमित होते हैं और आबादी क्या होती है, आबादी लॉजिस्टिक विकास का प्रदर्शन करती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में जनसंख्या का विस्तार कम हो जाता है पॉपुलेशन का, क्योंकि संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम क्या करते हैं, एक्सपोटेंशियल ग्रोथ कर्व को देखते हैं। एक्सपोटेंशियल ग्रोथ कर्व में आप देखेंगे तो क्या होगा, है ना, एक्सपोटेंशियल ग्रोथ को देखते हैं तो हमने क्या किया है, मैंने वाई एक्सिस पर क्या लिया, वाई एक्सिस पर आपने एन टी ले लिया है ना, वाई एक्सिस पर आपने एन टी ले लिया और एक्स एक्सिस पर आपने क्या ले लिया, टी। टी किसको डिनोट करता है, टी हमने यहाँ टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि जो इंक्रीजिंग है पॉपुलेशन, जो इंक्रीजिंग है वो बढ़ रहा है, और वो क्या बढ़ रहा है, वो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है ये बढ़ तो रहा, आराम से बढ़ता हुआ जा रहा है, पर क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, है ना। अब क्या करेंगे, हम दूसरा वाला देखते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, डेफिनेटली आप इसके डिफरेंट पार्ट में देखेंगे, दूसरा कर्व देखेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ मैंने वाई एक्सिस पर क्या लिया, इन एंटी लिया, इन एंटी का मतलब क्या है, ये मैंने लॉग फॉर्म में लेते हैं, इन एंटी जो है ये लॉग फॉर्म में ले रखा है, एन वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मैंने टी लिया है। टी को आप किससे डिनोट कर रहे हैं, मैंने बताया था टी को हम टाइम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ जो आपका जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रही है, वो आपको एकदम बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस में दिखाई दे रही है, आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिखाई दे रही है ना, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आप क्या देखेंगे, अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में एक्स एक्सिस पर एन दिखाई दे रहा है आपको, एक्स एक्सिस पर एन, मैंने एन ले रखा है, एन यानी क्या है, एन ये क्या है, पॉपुलेशन बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है, और वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, डी एन अपॉन डी टी। और डी एन अपॉन डी टी क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, डी एन अपॉन डी टी क्या है, डी एन अपॉन डी टी है ये आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, जो रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन का वो है, इसको हम लेते हैं और हम क्या देखेंगे, अब हम इन दोनों को जब आपने देखा है एक्स एंड वाई एक्सिस पर, तो आपने क्या देखा है, इनको हमें जो कर्व मिल रहा है वो कौन सी शेप में मिल रहा है, हमें बेल शेप में कर्व मिल रहा है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि हम जो कर्व को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बेल शेप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोस्टली सी एस आई आर एंड अदर एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसी शेप में पाया जाता है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो बेल शेप में पाया जाता है। देखिए आपको इजीली आप देख सकते हैं, बेल शेप में पाया जा रहा है ना, ये मैंने ड्रॉ किया है, बेल शेप में पाया जाता है। इसके साथ ही आपको एक पॉइंट और देख सकते हैं, यहाँ आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कैरिंग कैपेसिटी का बिल्कुल हाफ कर्व है, ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है पूरे कर्व का ये हाफ कर्व, मैंने केटीवी लिखा है, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ भी लिखा हुआ है, कैरिंग कैपेसिटी का क्या है, पूरा हाफ कर्व है। और इस प्राइम को हम क्या कहते हैं, इस प्राइम को हम मैक्सिमम ग्रोथ रेट भी कहते हैं, ठीक है, इस क्राइम को, इस प्राइम को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ रेट भी कहते हैं। और मैक्सिमम ग्रोथ रेट को ऑब्जर्व किया जाता है जब क्या होता है, जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी का हाफ कर्व होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा भी है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो है इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है, इज इक्वल टू करके मैंने लिखा है, पॉपुलेशन इज हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी के अपॉन टू। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मोस्टली क्या है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है और मेरी लास्ट वाली वीडियोज जो थी, इस तरीके के क्वेश्चन एनालिटिकली क्वेश्चन सी एस आई आर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, लाइक करना ना भूलें। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, आपको जो भी यूनिट या जो भी आपको यूनिट है, यूनिट में जो भी आपको टॉपिक की प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कॉमेंट बॉक्स में, मैं उसका कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा।